दोस्तों एक अमीर व्यक्ति था, उसने समुद्र में घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के लिए वह अपनी नाव लेके अकेले ही समुद्र की सैर के लिए निकल पड़ा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। वह व्यक्ति थोड़ा ही आगे पहुँचा था कि जोरदार एक तूफान आया और उसकी नाव ठहस महस हो गई, लेकिन उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी तो वह समुद्र में कूद गया। जब समुद्र शांत हुआ तो वह व्यक्ति तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुँचा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, ईश्वर ने मुझे बचाया है तो आगे रास्ता वही बताएगा। अब वो वहाँ पर उगे हुए पेड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। लेकिन उस व्यक्ति को अब लगने लगा कि मैं धीरे धीरे टापू में फंस गया हूँ, लेकिन उसमें भगवान का विश्वास कायम था तो उसने सोचा कि मैं कब तक टापू में मारा मारा फिरूंगा, क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लेता हूँ। उस व्यक्ति ने सोचा कि पता नहीं मुझे कितने दिन यहाँ पर बिताने पड़े, तो उस व्यक्ति ने पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसने रात होते होते एक झोपड़ी बना ली। वह व्यक्ति बाहर खड़ा होकर अपनी झोपड़ी को देख रहा था और सोच रहा था कि आज मुझे इस झोपड़ी में सोने को मिलेगा, लेकिन मौसम बदला और एक जोरदार बिजली कड़की और जाकर झोपड़ी में गिर गई। देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो गई और वह व्यक्ति टूट गया। उस व्यक्ति ने आसमान की तरफ देखा और बोला कि हे ईश्वर, तेरा ये कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर रहम क्यों नहीं की जबकि मैंने तुझ पर विश्वास बनाए रखा। और ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई और उसमें से कुछ लोग उतरे। उनने कहा कि हम तुम्हें बचाने आए हुए हैं, दूर से इस ब्रांड टापू पे हमने जलती हुई झोपड़ी को देखा, हमें लगा कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर आप अपनी झोपड़ी न जलाते तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता था कि तूने मेरी झोपड़ी मुझे बचाने के लिए जलाई है। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है, तूने मेरा इम्तहान लिया और उसमें मैं फेल हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे सुख हो या दुख, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा ही रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता, वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर यानी नेत्र रूप से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे यानी आत्मविश्वास की गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया अच्छा ही किया, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।